हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 18th of January 2021। तो 18 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले यूपीएससी करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में दी है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक है temsis.com/plan temsis.com/plan, तो आप वहां से ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट, जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोलार लीफ नोज्ड बैट। तो कोलार लीफ नोज्ड बैट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दिस स्पीशीज इज एंडेमिक टू कर्नाटका, कर्नाटका से एंडेमिक है स्पीशीज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। कोलार लीफ नोज्ड बैट मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स आर करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे पोर्ट दिए हैं और उनकी लोकेशन दी है, आपको बताना है कि कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है। पहला है यहाँ पे सिहनोक विले पोर्ट, ये कंबोडिया दिया हुआ है। दूसरा है निहा रोंग पोर्ट, ये वियतनाम दिया है। एंड तीसरा है कुआंतन पोर्ट जो कि मलेशिया दिया हुआ है। आपको बताना है कि करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं, सिहानकोन विले पोर्ट कंबोडिया, निहा रोंग पोर्ट वियतनाम एंड क्वांतन पोर्ट मलेशिया। तो इनमें से कौन कौन से करेक्टली मैच है, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली या ऑल ऑफ द अबव। तीसरा सवाल है दर्द आर्यन ट्राइब्स, दर्द आर्यन आर द ट्राइबल पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज। तो दर्द आर्यन इनमें से कौन से स्टेट के ट्राइबल पीपल हैं, ऑप्शन आर लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा। एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गावी द वैक्सीन अलायंस। गावी वैक्सीन अलायंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ वैक्सीनेशन स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया इज करेंटली द चेयर ऑफ द गावी अलायंस बोर्ड। तो इंडिया करेंटली चेयर है गावी अलायंस बोर्ड का। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। लेट्स मूव टू द न्यूज एनालिसिस पार्ट। पहली जो न्यूज है वह रशिया हैज अनाउंस्ड दैट इट वॉज पुलिंग आउट ऑफ द ओपन स्काई ट्रीटी। रशिया ने कहा है कि वो ओपन स्काई ट्रीटी से पुल आउट कर रहा है ना, क्योंकि यूएसए ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर चुका है, यूएसए हैज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज द ओपन स्काई ट्रीटी। ओपन स्काई ट्रीटी अगर आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ, इट वॉज साइंड इन 1992, 1992 में साइन हुई थी एंड इट केम इन टू इफेक्ट इन 2002, 2002 में ये इफेक्ट में आई, ठीक है ना। वो 1992 में साइन हुई थी, 2002 में ये इफेक्ट में आई। एम इसका क्या है, द एम इज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग द मेंबर कंट्रीज थ्रू म्यूचुअल ओपननेस एंड रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ एक्सीडेंटल वॉर। तो एक्सीडेंटल वॉर के चांसेस को खत्म करना है और ओपन स्काइज के थ्रू म्यूचुअल ओपननेस करनी है एंड कॉन्फिडेंस और कोऑपरेशन बढ़ाना है कंट्रीज के बीच में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अंडर दिस ट्रीटी अ मेंबर स्टेट कैन स्पाई ऑन एनी पार्ट ऑफ द होस्ट नेशन, जो होस्ट नेशन है उसके किसी पार्ट में स्पाई कर सकता है विद द लेटर्स कंसेंट, लेकिन उसको उसके लिए कंसेंट लेनी पड़ेगी। देन अ कंट्री कैन अंडरटेक एरियल इमेजिंग ओवर द होस्ट स्टेट, होस्ट स्टेट के पास जाकर के आप एरियल इमेजिंग भी कर सकते हो, है ना। एंड लेकिन इसके लिए आपको 72 आवर्स की वार्निंग देनी पड़ेगी एंड फ्लाइट पाथ 24 आवर्स बिफोर आपको शेयर करना पड़ेगा अगर वहां से कोई पास हो रहा है तो। ये ओपन स्काई ट्रीटी के अंतर्गत के पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। एंड इसका जो इन्फॉर्मेशन गैदर होती है, द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड सच एज ट्रूप मूवमेंट, मिलिट्री एक्सरसाइज एंड मिसाइल डिप्लॉयमेंट हैज टू बी शेयर्ड विद ऑल द मेंबर स्टेट। ये सारे मेंबर स्टेट के साथ आपको शेयर करनी पड़ेगी, चाहे जो ट्रूप मूवमेंट हो रही है या मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है या मिसाइल डेवलपमेंट। तो एक ट्रस्ट बनाने की बात है, कॉन्फिडेंस बनाने की बात है जो कि इसके थ्रू की जा रही है। एंड ओनली अप्रूव्ड इमेजिंग इक्विपमेंट इज परमिटेड इन द सर्विलांस। जो भी अप्रूव्ड इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स है केवल वही यूज किए जा सकते हैं, कोई नया नहीं। ऐसा नहीं कि होस्ट कंट्री को कुछ पता नहीं और आप कर रहे हैं, है ना। अगला है करंटली इट हैज 34 पार्टी स्टेट्स, 34 मेंबर्स हैं। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी, याद रखिएगा, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपन स्काई ट्रीटी। एंड इस ट्रीटी का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो ओपन स्काइज कंसल्टेटिव कमीशन से होता है, ओपन स्काइज कंसल्टेटिव कमीशन के थ्रू होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द स्टेट पार्टीज, जो कि इसके अंतर्गत है, ठीक है ना। तो 34 मेंबर्स है करेंटली, लेकिन इंडिया मेंबर नहीं है ओपन स्काई ट्रीटी का, याद रखना है। एक और न्यूज है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने लॉन्च किया है प्रारंभ। व्हाट इज दिस प्रारंभ, इट इज द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, याद रखिएगा, प्रारंभ इज स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। तो ये आप चीज याद रखिएगा,
And the summit has been organized by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, you know, DPIIT, जिसको बोलते हैं, which is under the Ministry of Commerce and Industry. याद रखिएगा DPIIT, यानी कि Department for Promotion of Industry and International Trade, it is under the Ministry of Commerce and Industry. And इसने प्रारंभ स्टार्ट किया है, प्रारंभ यानी कि स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे अगर देखें हम कौन सी और इम्पोर्टेंट न्यूज आइटम है, तो 2.24 लाख वैक्सीनेटेड इन सेकेंड इन टू डेज, 447 रिपोर्ट एडवर्स रिएक्शंस। अब यहाँ पर 2.2 लाख यानी कि 2,24,000 लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया दो दिनों में, और उनमें से 447 लोगों ने एडवर्स रिएक्शंस रिपोर्ट किए हैं। तो ये भी कम नंबर नहीं है, है ना, एटलीस्ट आप ठीक ना हो तो और ख़राब तो ना ही हो आपके साथ, है ना, सो दैट शुड नॉट हैपन। एंड ड्राइव हेल्ड इन ओनली 6 स्टेट्स अप टू नाउ, 6 स्टेट्स में ये ड्राइव शुरू हो चुकी है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, केरला एंड मणिपुर में, ठीक है ना। एंड नियरली 2,24,000 पीपल वर वैक्सीनेटेड एंड 447 एडवर्स इवेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड एंड इन आउट ऑफ दीज 447 3 पीपल हैव रिक्वायर्ड द हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्सो, 3 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ गई है, ठीक है ना, सो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, यहाँ पर है 2 चाइनीज नेशनल्स अरेस्टेड बाय ईडी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। अब 2 चाइनीज नेशनल्स को ईडी ने धर लिया फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे पहली बात तो ईडी के बारे में आपको बता दूं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका टास्क है 2 लॉज को फुलफिल करवाना इंडिया में, 2 लॉज के अंतर्गत इसको मैंडेट प्राप्त है। पहला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, 1956 में ये बना था एज इन्फोर्समेंट यूनिट और तब ये आता था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत। 1956 में बना था एज इन्फोर्समेंट यूनिट और आता था किसके अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत। और 1957 में इसका नाम बदल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया और इसका जो वो था किसके अंदर फंक्शन करेगा वो भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से बदल करके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कर दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही आता है। करंट चेयरमैन बताइए आप मुझे कौन है इसके, ईडी के करंट चेयरमैन कौन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ ईडी, दिस इज द क्वेश्चन टू यू, प्लीज डू टेल मी। अब यहां पर बात चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग की, तो मनी लॉन्ड्रिंग इज एन इलीगल प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग द ओरिजिन ऑफ मनी। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी मनी के ओरिजिन को कंसील करते हैं यानी छुपाने की कोशिश करते हैं, या कि मतलब वो तो आपको इलीगल तरीके से प्राप्त हुआ होगा या सॉरी टैक्स इवेजन के थ्रू आपको प्राप्त हुआ होगा। तो अगर आपने टैक्स इवेड करके मनी रखी है और आप उसके सोर्स को कंसील कर रहे हो और दोबारा उसको कमर्शियल ट्रांजेक्शन कर करके आप रियल या क्लीन इकोनॉमी में या क्लीन मनी में शामिल कर रहे हैं तो लॉन्डर कर रहे हो ना, एक तरीके से लॉन्ड्री हो रही है, लॉन्डरिंग ऑफ द मनी, जो कि इलीगल मनी थी, ब्लैक मनी थी, उसकी लॉन्डरिंग करके आपने उसको वाइट मनी बना दिया, इसीलिए इसको मनी लॉन्डरिंग बोलते हैं, लॉन्ड्री, इसे लॉन्ड्री से ही शब्द लिया गया है ये एक्चुअली में, तो याद रखिएगा। एंड इसको करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप कहलाता है प्लेसिंग, दूसरा स्टेप कहलाता है लेयरिंग और तीसरा स्टेप कहलाता है उस मनी का इंटीग्रेशन इन द वाइट इकोनॉमी। तो प्लेसिंग, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, दीज आर द 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग, याद रखिएगा, प्लेसिंग, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। आगे देखते हैं, 8 रोहिंग्याज माइग्रेंट कॉट इन दिल्ली, पुलिस ने कहा है कि 8 रोहिंग्या माइग्रेंट्स पकड़े गए। तो रोहिंग्याज के बारे में इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ, रोहिंग्याज आर द एथनिक ग्रुप्स लार्जली कंप्राइजिंग ऑफ मुस्लिम्स हु प्रिडोमिनेंटली लिव इन द वेस्टर्न म्यांमार प्रोविंस ऑफ रखाइन। तो वेस्टर्न म्यांमार प्रोविंस है रखाइन का, वहाँ पे बेसिकली जो ये मुस्लिम ग्रुप रहते हैं, एथनिकली मुस्लिम ग्रुप है एंड दे रिसाइड इन द वेस्टर्न म्यांमार प्रोविंस ऑफ रखाइन। दे स्पीक द डायलेक्ट ऑफ बंगाली एज अपोज टू द कॉमन स्पोकन बर्मीज लैंग्वेज, लेकिन ये जो भाषा का प्रयोग करते हैं बंगाली डायलेक्ट का यूज़ करते हैं, ना कि बर्मीज लैंग्वेज का। एंड दे ऑल्सो हैव बीन लिविंग इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज फॉर जनरेशन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी ये रह रहे हैं। एंड म्यांमार कंसीडर्स देम अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू देयर लैंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो जो बर्मीज पीपल हैं दे कंसीडर रोहिंग्याज एज पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू म्यांमार ड्यूरिंग द कॉलोनियल वॉर, इसीलिए उन्होंने रोहिंग्याज को फुल सिटीजनशिप ग्रांट नहीं की है, उनका पर्सिक्यूशन अलग से किया जाता है।
एक्चुअली में 1982 में बर्मीज सिटीजनशिप लॉ आया था, याद रखिएगा, ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, 1982 में बर्मीज सिटीजनशिप लॉ आया था, ओके याद रखिएगा, 1982 में 1982 में बर्मीज सिटीजनशिप लॉ आया था। यहाँ पे रोहिंग्या के लिए लिखा गया था कि अगर एक रोहिंग्या को सिटीजनशिप अर्न करनी है तो उसको ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़ेंगे कि वो इस कंट्री में 1823 से यानी कि 1823 से पहले रह रहा था, ठीक है ना, याद रखिएगा 1823 से पहले रह रहा था, ये डॉक्यूमेंट उसको प्रूफ करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, तभी जा करके वो उसको सिटीजनशिप मिल पाएगी, ठीक है ना। एक्चुअली अगर आपने याद हो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, अगर आपको याद हो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, इसको फर्स्ट बर्मा वॉर बोलते हैं, वो 1824 से शुरू हुआ था, 1824 से शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो तो 1824 से शुरू हुआ था पहला एंग्लो बर्मीज वॉर, 1824 से शुरू हुआ था, ठीक है ना। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानना जरूरी है, एंड इट वॉज फर्स्ट ऑफ द वॉर्स दैट वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द बर्मीज, इसीलिए यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया गया है, इसीलिए जो टाइम पीरियड दिया गया है फॉर द एंग्लो बर्मीज वॉर वो दिया गया है 1823 का, जो बर्मीज सिटीजनशिप लॉ में दिया गया है डेडलाइन दी गई है वो 1823, क्योंकि 1824 में बर्मीज एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था और उस टाइम पे ही उनको लगता है कि जो माइग्रेंट्स आए थे ये रोहिंग्याज वो आए थे, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। द अनरेवलिंग ऑफ लिबरल ग्लोबलिज्म, ये एडिटोरियल है जो कि हम डिस्कस करेंगे, पहला स्टैनली जॉनी का आर्टिकल है ये। अब इसमें सबसे पहले बात अमेरिका के ऊपर, ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है अमेरिका के ऊपर और अमेरिका की जो पॉलिसी शिफ्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले ऑथर बोलता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप था वो एक आइसोलेशनिस्ट था। आइसोलेशनिस्ट का मतलब क्या होता है, वो एक तरीके से कंट्री को सबसे आइसोलेट करता जा रहा था, चाहे वो पेरिस क्लाइमेट डील हो, चाहे UNESCO हो, चाहे ये इतनी INF ट्रीटीज है, ये सारी चीजों से वो आइसोलेट कर रहा था खुद को, न्यूक्लियर डील से उसने खुद को आइसोलेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये एक आइसोलेशनिस्ट है ना, आइसोलेशनिस्ट है, और अमेरिका का आइसोलेशनिज्म ऑथर का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप से नहीं शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप से ही आइसोलेशनिज्म शुरू है, एक्चुअली में यूएसए एक आइसोलेटेड नेशन ही रहता था अमूमन, जब तक ये वॉर नहीं हुआ था और जब तक ये वॉर नहीं हुआ था ये कोल्ड वॉर तक नहीं आए थे तो ये आइसोलेटेड स्टेट में ही थे। चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले देख लो, वो अपनी इकोनॉमी को बिल्डअप करने में लगे हुए थे, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देख लो, ही द अमेरिका वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वॉर। जब तक पर्ल हार्बर पे अटैक नहीं हुआ, जापान ने जब तक वहां पे अटैक नहीं किया था पर्ल हार्बर में, तब तक अमेरिका वॉज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू ऑल्सो, ठीक है ना। अमेरिका वो नेशन है जिसने लीग ऑफ नेशंस तक नहीं ज्वाइन किया, जबकि लीग ऑफ नेशंस बना ही अमेरिकन प्रेसिडेंट के कहने पे था, वुड्रो विल्सन के कहने पे बना था लीग ऑफ नेशंस, लेकिन अमेरिका ने खुद ही लीग ऑफ नेशंस को नहीं ज्वाइन किया था। तो इतना ज़्यादा आइसोलेटेड नेशंस, और दीज आर द इंस्टेंसेज जो कि बताते हैं कि अमेरिका ऑलरेडी हैज़ बीन एन वेरी आइसोलेशनिस्ट कंट्री। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि अब जो लिबरल इंटरनेशनलिस्ट ऑर्डर है, लिबरल इंटरनेशनलिज्म या लिबरल ग्लोबलिज्म जिसको हम बोलते हैं, ये जो ऑर्डर है ये वुड्रो विल्सन लाने की कोशिश, विल्सन ने विल्सोनी जिसमें उन्होंने कहा कि भाई कोऑपरेशन के साथ रहो, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर बना करके रहो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का फायदा उठाओ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाओ जो कि रेगुलेट करें चीजें, ये सब वुड्रो विल्सन ने कहा। एक रूल इंटरनेशनल लिबरल ग्लोबल ऑर्डर बनाने की बात वुड्रो विल्सन ने की, ठीक है ना, लेकिन यूएसए ने खुद फॉलो नहीं किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने फॉलो कर लिया, लीग ऑफ नेशंस नहीं ज्वाइन किया, फिर उन्होंने विल्सोनियन ग्लोबलिज्म केवल तब ज्वाइन किया जब वो कोल्ड वॉर स्टेज पे आ गए और उनको समझ में आ गया कि दो पावर पोल है और अपने को एक पोल को खींचना पड़ेगा, पावरफुल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूएसए ने फिर ग्लोबल लिबरलिज्म या लिबरलिस्ट ऑर्डर को फॉलो करना शुरू किया, और इसके बाद उन्होंने ये लोगों को बताना शुरू किया कि किस तरीके से जो कैपिटलिज्म की फिलॉसफी है या जो अमेरिका की फिलॉसफी है दैट इज एक्चुअली द राइट वन। उन्होंने खुद को और उनके अलाइज को फ्री वर्ल्ड घोषित कर दिया, एंड उन्होंने कहा कि वी आर मोरली सुपीरियर टू दोज इन द सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ग्रुप। तो उन्होंने कहा कि हम फ्री वर्ल्ड हैं and we are morally superior to over the communists and socialist dictatorships, हम उनसे morally superior हैं, ठीक है ना। उसके बाद 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स किया, एंड मैनी पंडित्स एंड
पॉलिसी मेकर्स saw this as a triumphant movement for liberal internationalism, ठीक है ना, और जो पॉलिसी मेकर्स थे they saw this as a movement of liberal internationalism 1991 जब सोवियत ऑर्डर वीक वो टूटा कोलैप्स किया तब the USA उसके बाद उन्होंने अलग अलग लीडरशिप रोल्स लिए, अलग अलग कंट्रीज में डेमोक्रेसी फैलाना शुरू कर दिया, उसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान को सेलेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने इराक को सेलेक्ट किया, सॉरी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की, लेकिन वो सब भी, लेकिन ऑथर ने वही कहा है कि क्या होता है कि जैसे जैसे लेकिन रिलीजियस टेररिज्म बढ़ा, जैसे जैसे रिलीजियस टेररिज्म बढ़ा लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी सेटबैक लग गया, ठीक है ना। अब देखो जैसे अमेरिका ने वॉर तो शुरू कर दिए लेकिन क्या वॉर जीते, नहीं जीते, इराक में उनका वॉर इनकॉन्क्लूसिव रहा, अफगानिस्तान में 19 साल तक वो वॉर लड़ते रहे लेकिन बाद में उनको तालिबान के साथ डील करके बाहर निकलने की फिराक में है, लीबिया में उन्होंने लिबरेट जरूर कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास में लिबरेट किया है लीबिया को, लेकिन वहाँ पर दो गवर्नमेंट है, दो आर्मीज हैं, बहुत सारे मिलिशिया हैं, इस तरीके के ऐसे स्टेज में जा करके उन्होंने छोड़ दिया है। तो बेसिकली ऑथर का वही कहना है कि USA का जो कॉन्फिडेंस पहले था दैट इज़ नॉट नाउ, वो अब नहीं रह गया है ना, इसीलिए फिर से एक शिफ्ट देखने को मिला हमको लिबरल ग्लोबलिज्म ऑर्डर से, फिर से डोनाल्ड ट्रंप के आते आते थोड़ा शिफ्ट हमको देखने को मिला। इनफैक्ट जो लास्ट ईयर्स थे बराक ओबामा गवर्नमेंट के उसमें भी उन्होंने शोकेस कर दिया था, ठीक है ना, कि वो थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ से पुल आउट करने की बात, और ये सारी चीज़ें अगर हमने देखी हो तो ये एक चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब ऑथर ने कहा है जो बाइडन के आने से हो सकता है, जो बाइडन खुद एक इंटरनेशनल लिबरलिस्ट मतलब लिबरल आइडिया को प्रमोट करने वाले हैं, है ना, और सबसे पहले तो वो यही करेंगे कि पेरिस क्लाइमेट डील में वापस आएंगे, WHO में वापस आएंगे, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जो बाइडन करेंगे, ही इज़ एन लिबरल इंटरनेशनलिस्ट हिमसेल्फ, तो देखना है कि क्या ये रिवाइवल हो सकता है लिबरल इंटरनेशनलिस्ट ऑर्डर का इन द USA। सेकेंड जो आर्टिकल है वो है फाइनेंशियल बूम एट अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। इस आर्टिकल में ऑथर ने ये बताया बेसिकली कि किस तरीके से अभी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अगर आपको याद हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, उसमें शक्तिकांता दास जो RBI है उसने ये भी बोला है कि फाइनेंशियल सेक्टर ग्रोथ कर रहा है लेकिन जो रियल इकोनॉमी है, जो आपका मेन प्रोडक्शन इकोनॉमी है, वो ग्रो नहीं कर रही है। सो दिस माइट बी हार्मफुल इन द जो लेटर स्टेजेस है वहाँ पे हार्मफुल साबित हो सकता है। अब ऑथर ने भी वही चीज़ बोली कि इकोनॉमी जहाँ पर 23% का सेटबैक हुआ, फिर लगभग 7% कॉन्ट्रैक्शन में गई, अभी भी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट इतने अच्छे नहीं है, वहीं पे जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, $20 billion तक पहुंच गया है, ग्रोथ बहुत ज्यादा होती जा रही है, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि ये ज्यादा ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है और वहां पर जो हमारी रियल इकोनॉमी है वहां पर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है ना। यहां पर लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ है, निगेटिव अगेन -7.5% हमारी GDP ग्रोथ थी, GDP इन इंडिया हैज बीन सबड्यूड इवन बिफोर द पैंडेमिक, जो कि हमारे पैंडेमिक की पहले भी घटी हुई थी, वाइल द फाइनेंशियल सेक्टर हैज कंटिन्यूड ग्रोइंग अप, फाइनेंशियल सेक्टर कंटिन्यूड ग्रोइंग अप। अब ये जो पैराडॉक्स चल रहा है फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ का लेकिन दूसरे सेक्टर्स बिल्कुल डिक्लाइन, GDP बिल्कुल डिक्लाइन, वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, वो बहुत इंडिया जैसी कंट्रीज में जैसे कि ब्राज़ील में भी है, अर्जेंटीना में भी वही देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, और एडवांस इकोनॉमी चाहे USA और यूनाइटेड किंगडम में भी यही चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है ना। एंड जॉब लेवल भी बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर, जॉब लेवल भी बहुत कम है इन कंट्रीज़ में, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर फिर भी ग्रो करता जा रहा है। अब ऑथर ने इसका रीज़न बताया, देखो ऑथर ने रीज़न बताया, मैं इसमें RBI का भी रीजनिंग ऐड कर रहा हूँ। देखो हुआ क्या कि जब पैंडेमिक आया तो बहुत सारे मॉनिटरी एंड फिजिकल अथॉरिटीज़ जो थे इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने सपोर्ट देना शुरू कर दिया, जैसे इंडिया में आत्मनिर्भर भारत पैकेज आ गया, वेंडर्स को ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको बोला कि 10,000 का लोन देंगे, स्वनिधि लोन देंगे, ये हुआ। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा सबको फायदा दिया था, मोराटोरियम लगा दिया, फिर उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट कट, मतलब वो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा और जो टैक्स रेट है वो कट करेंगे, इन्फ्यूजन ऑफ लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट कट किया था और लिक्विडिटी इन्फ्यूज की थी, मतलब कि इंटरेस्ट रेट घटेगा और आपकी लिक्विडिटी डालने कोशिश की गई, और RBI ने भी इंटरेस्ट रेट घटा दिया। इससे हुआ क्या, जब RBI ने इंटरेस्ट रेट घटाया तो इससे क्या फायदा हुआ कि लोगों को लोन सस्ता मिलने लगा, लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया, बहुत पैसा आने लगा, है ना। इसलिए फिर ओवरसीज इन्वेस्टर्स को भी अपॉर्चुनिटी दिखी इंडियन मार्केट में, है ना, ओवरसीज इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि किस मार्केट में उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है और वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और ऐसी जो कंडीशन होती है, क्रिटिकल जो कंडीशन होती है, ये फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड की तरह काम करती है। तो यही RBI ने नोट किया अपनी रिपोर्ट में कि सर्ज ऑफ द कैपिटल फ्लोज
ये जो सर्ज हमको देखने को मिल रहा है कैपिटल फ्लो में, इसमें एक रिस्क एपेटाइट, रिटर्न ऑफ रिस्क एपेटाइट एंड रिन्यूड सर्च फॉर यील्ड। तो बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक वो लेके चलते हैं, बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और कल को अगर उनको प्रॉस्पेक्ट सही नहीं दिखा आपकी कंट्री में तो वो पहला पूरा पैसा निकल भी जाएगा, है ना। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस FPI, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का यही डिसएडवांटेज है कि आज प्रॉफिट दिख रहा है, आज हमने इन्वेस्ट कर दिया, अचानक से आपको बूम दिखा, लेकिन कल को अगर हमको प्रॉफिट नहीं दिखा तो हम पूरा पैसा खींच भी लेंगे, है ना। तो दैट इज द थिंग। यहां पे देखो वही चीज है कि ऑथर ने भी वही बोला कि कट इन द इंटरेस्ट रेट आर ऑफन प्रिफर्ड एज टूल्स अंडर द मेन स्ट्रीम प्रिस्क्रिप्शन लिमिटिंग एक्सपेंशनरी पॉलिसीज विच एविडेंटली हेल्प द स्टॉक प्राइजेस। तो ये जो इंटरेस्ट कट होता है ये स्टॉक प्राइजेस को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेगा, जब भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी रखेगी गवर्नमेंट, यानी कि जब भी इंटरेस्ट रेट कट करेगी आरबीआई के इंटरेस्ट रेट का कट करने का मतलब क्या है, ग्रोथ को बढ़ावा देना। मैंने बताया था ना कि इंटरेस्ट रेट कट करना ग्रोथ को बढ़ावा देना, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना इन्फ्लेशन को घटाना, ठीक है ना, दोनों चीजें याद रखना। तो जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी ले रही है गवर्नमेंट, यानी कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज के अंतर्गत, यानी कि इंटरेस्ट रेट कट कर रही है, तो उससे स्टॉक प्राइसेस को बढ़ोतरी मिलती है, स्टॉक प्राइसेस से बढ़ते हैं। लेकिन वही वाली बात है, पॉसिबिलिटी ऑफ अ सडन कोलैप्स इज ऑल्सो देयर। कॉन्फिडेंस जो है फाइनेंशियल सेक्टर में वो इतना ही रहता है कि अगर सडन कोलैप्स हुआ तो पूरा कॉन्फिडेंस जो फाइनेंशियल सेक्टर का है वो खत्म हो जाएगा, और इसके बाद जो रहता है बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजियस कंडीशन आ जाती है, ऐसे केस में फिर बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन आ जाती है इन योर, जो कि विच इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, है ना, बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफ टाइप की कंडीशन आ जाती है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती कभी, आप लोग अगर समझ सकते हो बताइए, तो ये AS पनीर सेल्वन क्यों आर्टिकल लिखते हैं, मतलब आई हैव नेवर रेड हिज आर्टिकल और आज तक मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया इनके आर्टिकल्स में, एंड आई डोंट नो। मंडे का दिन पनीर सेल्वन का एक आर्टिकल रहता ही रहता है, राइज ऑफ शैडो एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे एक आर्टिकल है राइज ऑफ शैडो एंटरप्रेन्योरशिप। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ शैडो एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चीजें हैं। देखो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है कि एंटरप्रेन्योर्स हु मैनेज अ बिजनेस विच सेल्स लेजिटिमेट गुड्स, ऐसे बिजनेसेस, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो लेजिटिमेट गुड्स ही सेल करते हैं बट दे डू नॉट रजिस्टर देयर बिजनेसेस। शैडो एंटरप्रेन्योर्स कौन हो गए, ऐसे बिजनेसेस जो लेजिटिमेट चीज़ें ही सेल करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेजिटिमेट चीज़ों, ऐसा नहीं कि कुछ और मतलब इलीगल सर्विस दे रहे हैं या इलीगल गुड्स दे रहे हैं, शैडो बिजनेस है लेकिन फिर भी लेजिटिमेट गुड्स सेल करते हैं, सर्विसेज देते हैं, बट दे डू नॉट रजिस्टर देमसेल्फ, मतलब कि वो टैक्स पे नहीं करते हैं। तो इससे एक शैडो इकोनॉमी बनती है, और ये जो शैडो इकोनॉमी के एंटरप्रेनर्स हैं वे शैडो एंटरप्रेनर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर द एंटरप्रेनर्स हु आर परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज आउटसाइड द रीच ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, है ना। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बाहर रह करके, रीच में बाहर रह करके जो लोग करते हैं इस तरीके की चीज़ें वो शैडो एंटरप्रेनर्स करते हैं, और इनकी मॉनिटरिंग की ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, इनकी सर्विसेज को क्लैम डाउन करना चाहिए, क्योंकि इससे टैक्स इवेजन और ये सारी चीज़ें, फिर मनी लॉन्ड्रिंग वाली यहीं से आता है मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है ना। एंड जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो या इस तरीके की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, ये सब चीज़ें होंगी, EDVD, इन सबको मिल करके देखते रहना चाहिए कोई इस तरह की घटना ना हो। आगे मूव करते जाते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। क्लाइमेट अर्जेंसी इंडिया एंड द वर्ल्ड, यहाँ पर ये आर्टिकल है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एमिशन गैप रिपोर्ट। याद रखिएगा UNEP की रिपोर्ट आई है, एमिशन गैप रिपोर्ट। पहली चीज तो याद रखिएगा कि एमिशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम निकालता है, ठीक है ना। एंड इसमें बहुत सारे इवेंट्स जैसे कि वाइल्ड फायर हुआ, हरिकेन्स हो गया, वो सारे मेंशन किए गए हैं इस बार। तो पहले तो याद रखना एमिशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम निकालता है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो डिप आया है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में कॉज्ड बाय द पैंडेमिक, द वर्ल्ड इज स्टिल हेडिंग फॉर अ टेम्परेचर राइज इन एक्सेस ऑफ 3 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस सेंचुरी। थोड़ा सा पैंडेमिक के टाइम पे CO2 में डिप आया था, लेकिन फिर भी इस सेंचुरी में 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद है। पेरिस एग्रीमेंट में आप सबको पता है कि 195 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया दिसंबर 2015, है ना, और इसमें यह बोला गया कि हमको ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं बढ़ने देना है, एंड और ज़्यादा लिमिट करने की कोशिश करनी है तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करने की कोशिश करना है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होते जा रहे हैं, है ना, चाहे वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो चाहे लैंड यूज चेंज हो, लैंड यूज चेंज भी होता जा रहा है, ऐसा नहीं कि लैंड यूज चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एंड
टॉप फोर एमिटर्स जो हैं वो हैं चाइना, यूएस, ईयू प्लस यूके एंड इंडिया। तो टॉप फोर में कौन कौन है? चाइना, यूएस, ईयू 27 प्लस यूके एंड इंडिया। अब वैसे अगर अलग अलग कंट्रीज में देखो तो इंडिया फिर थर्ड पे आ जाएगा, अदरवाइज चाइना, यूएस, ईयू एंड इंडिया। आप इस तरीके से इंडिया फोर्थ एमिटर आप मानो, ईयू को थर्ड मानो, ठीक है ना। ये हो गया। एंड कोविड के बाद थोड़ा सा डिप जरूर देखने को मिला था, है ना। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस प्रेडिक्टेड टू फॉल बाय 7% तक फॉल कर गए थे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ है इंडिया में, तो है ना, ये इंडिया में वर्ल्ड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, सिर्फ कोविड वाली उस चीज़ में है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एक ग्रुप है, द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर है, द कंसल्टेटिव ग्रुप कल्चर रिसर्च, इट हैज रैंक्ड इंडिया फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फ्लड हॉटस्पॉट फॉलोड बाय चाइना एंड यूएसए। तो उसने इंडिया को रैंक वन दी है इन द ग्लोबल फ्लड हॉटस्पॉट, उसके बाद चाइना को और उसके बाद यूएसए को दिया है, ठीक है ना। अब जो है हमको ग्रीन पैंडेमिक रिकवरी करने की जरूरत है। ग्रीन पैंडेमिक रिकवरी का मतलब क्या हुआ कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम से कम करना है, जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज का यूज करना है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज का यूज करना है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना है, थर्मल बेस्ड प्लांट्स को बंद करना है। ये सारे कुछ सजेशन है जो कि आपको याद रखने चाहिए। आगे मूव करते हैं। यूके इन्वाइट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी टू ज्वाइन द G7 समिट इन जून। तो यूनाइटेड किंगडम ने इन्वाइट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टू अटेंड द G7 समिट दैट इज शेड्यूल्ड टू बी held in June, ठीक है ना, scheduled to be held in June। इसके अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया आर ऑल्सो इन्वाइटेड। इंडिया के अलावा साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग एज द गेस्ट समिट, गेस्ट कंट्रीज। तो गेस्ट कंट्रीज के रूप में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को इन्वाइट किया गया, याद रखिएगा, गेस्ट कंट्रीज के रूप में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया को इन्वाइट किया गया है। एंड ब्रिटेन हैज़ इन्वाइटेड, यूके हैज़ इन्वाइटेड, बेसिकली बोरिस जॉनसन इन्वाइटेड दैम। एंड G7 के बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स आपको बता दूँ। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ सेवन कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी के टर्म्स में ये जो है 58% ग्लोबल नेटवर्थ को रिप्रेजेंट करती है, 46% ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करती है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल वैल्यूज, एंड 32% ग्लोबल GDP को इन द परचेजिंग पावर पैरिटी वैल्यू। कौन कौन सी कंट्रीज G7 का हिस्सा है? तो पहली जो कंट्री है वो है कनाडा, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इटली, पांचवी है जापान, देन यूनाइटेड स्टेट छठवीं, एंड यूनाइटेड किंगडम सातवीं। तो यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड कनाडा, दीज आर द 7 कंट्रीज विच आर द मेंबर्स ऑफ द G7। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। सेंटर एक्सटेंड्स पवन हंस बिडिंग डेडलाइन बाय अ मंथ। तो बिडिंग की जो डेडलाइन है पवन हंस हेलीकॉप्टर्स की, उनकी एक मंथ बढ़ा दी गई है। अब थोड़ा सा आपको पता हो कि पवन हंस में 51% जो शेयर है ना, इंटरेस्ट फ्रॉम बिडर्स फॉर 51% स्टेक इन पवन हंस, जो कि गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। इट्स अ मिनी रत्ना PSU, पवन हंस जो है वो मिनी रत्ना PSU है, और उसमें 51% जो गवर्नमेंट का शेयर है वो गवर्नमेंट बेचना चाहती है। इसके अलावा जो बैलेंस 49% स्टेक है पवन हंस में, वो ONGC ओन करता है, याद रखेगा, ONGC ओन करता है। और जो सक्सेसफुल बिडर होगा ही वुड गेट एन ऑप्शन टू बाय आउट द ऑयल मेजर्स स्टेक ऑन सिमिलर प्राइस। तो जो गवर्नमेंट प्राइस है उसी पे अगर आप चाहें तो ONGC का भी शेयर ले सकते हैं। तो ये सक्सेसफुल बिडर को ये ऑप्शन मिलेगा, है ना, लेना ना लेना उसके ऊपर है, लेकिन ऑप्शन जरूर मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि कोई और न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ तो कोई नहीं है, ओके। यहाँ पे देखो लिखा है बिडेन रोब्स इन 20 इंडियन अमेरिकन 17 इन की व्हाइट हाउस पोजीशन। तो ये थोड़ा आर्टिकल देख लेना, इसमें नाम देख लेना, जैसे कि विवेक मूर्ति का नाम है, नीरा टंडन का नाम है, इसके अलावा आप सबको कमला हैरिस के बारे में पता ही है। तो ये थोड़ा याद रखना क्योंकि पूछ सकता है कि इंडियन डायस्पोरा, जैसे इस साल क्वेश्चन पूछा था इंडियन डायस्पोरा का क्या रोल है, तो इंडियन डायस्पोरा में फिर आप ये सब लिख सकते हो कि ये लोग फिर लॉबिंग करने में मदद करते हैं, थोड़ा सा जो इंडिया के फेवर में लॉबिंग हो जाती है, ये सारी याद रखेगा। नाउ वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैचेस ऑफ दिस कंट्री ऑफ दिस सेंचुरी आप बोल सकते हैं कि हुआ है, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर एंड शार्दुल ठाकुर, ये दे हैव प्लेड ब्रिलियंटली। अगर आप अपने आप क्रिकेट का फैन बोलते हैं, यू हैवंट सीन देयर इनिंग, देन दैट मीन्स यू आर नॉट अ क्रिकेट फैन। ट्रू मास्टर क्लास बैटिंग फ्रॉम इंडियन साइड, और उसमें भी जो वॉशिंगटन सुंदर एंड शार्दुल ठाकुर की बैटिंग, दैट वॉज अमेजिंग, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको हाईलाइट देखनी तो हाईलाइट देख लेना, लेकिन देख लेना, देर वॉज अ नो लुक सिक्स ऑल्सो, नो लुक सिक्स याद रखेगा,
बाय वॉशिंगटन सुंदर, ब्रिलियंट सिक्स। अगर आप देखो उसमें देखा भी नहीं उसने कहाँ मार रहा हूँ कहाँ नहीं मार रहा हूँ, छक्का चला गया वो, सो दैट वॉज ग्रेट। आंसर्स आज के मैं आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था आपसे कि कोलार लीफ नोज्ड बैट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट, कर्नाटका में एंडेमिक है। दूसरा बोला था कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN में, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। दूसरा सवाल पूछा था कि करेक्टली मैच्ड कौन से हैं, सिहानको विले पोर्ट कंबोडिया, निहारोंग पोर्ट वियतनाम, कुआंतन पोर्ट मलेशिया, तीनों ही करेक्टली मैच्ड है, तो ऑल ऑफ द अबव का आंसर होगा। दर्द आर्यन ट्राइबल पीपल पूछा था कहाँ के हैं, तो ये लद्दाख के हैं, देयर विल बी आंसर विल बी ए। एंड चौथा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि गावी अलायंस के बारे में, तो इसका दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये UN का पार्ट है, तो नहीं UN की बॉडी नहीं है, प्राइवेट पब्लिक रिलेशनशिप पार्टनरशिप से बना है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है वो चेयर कर रहा है गावी बोर्ड को, तो नहीं, इंडिया को मेंबर बनाया गया है गावी बोर्ड का, चेयर नाइजीरिया का इकोनॉमिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। सो नाइदर विल बी द आंसर फॉर दैट। इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड बाय।